तुम ऐसी लड़की रखती नहीं हो जो यहां से कूदना चाहेगी। तुम पागल हो क्या? मरने जा रही थी, वो भी खराब कर दिया तुमने। तुम सही में पागल हो। क्यों? तुम्हारी जैसी लड़की मरना क्यों चाहेगी? क्यों? क्योंकि तुम खुश दिखती हो। तुम खुश हो? नहीं, मैं खुश नहीं हूं। वैसे इस वक्त तुम क्या कर रहे हो यहां? सोच रहा हूं। किस चीज को? वही जो तुम इतनी बहादुरी और शानदार तरीके से करने जा रही थी। तुम्हारी क्या कहानी है वैसे? मेरा एक लौता दोस्त था, जो कार क्रैश में मारा गया। बुरी बात तो यह भी नहीं, बुरी बात तो यह है कि वो गाड़ी मैं चला रहा था और वो दोस्त और कोई नहीं, मेरा बड़ा भाई था। वो एक लौता था जिसके साथ मैं बातें करता था और अपनी मन की बातें बताता था। मैं किसी के साथ रहता भी नहीं था। मुझसे वो साल भर बड़ा था, लेकिन हर समय उसी के और उसके दोस्तों के साथ समय बिताता था। कल उसका अंतिम संस्कार है। और मुझे पता नहीं मैं वहां खड़े होने के लायक भी हूं या नहीं। वो तुम्हारा भाई था? साल भर बड़ा। तुम पागल हो? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता? वो जैसे एक एक्सीडेंट था। ट्रेजेडीज तो सबके लाइफ में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सैडनेस को कंपेनियन बनाकर जीना शुरू कर दें। इसीलिए तो मैं जीना ही नहीं चाहता। और तुम्हारे ना जीने से क्या अच्छा होगा? कभी अपने माँ बाबा भाई के बारे में सोचा है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे भाई के बारे में भी नहीं? वो तो अब है ही नहीं मेरे साथ। तो बस ऐसे ही जाने दोगे उसके सपने और उसकी उम्मीदों को? कुछ नहीं करोगे उसके लिए? तो तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जाओ उनके अंतिम संस्कार में और इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो कि अब वो जा चुके हैं। कैसे? जागो, उठो और इस सच को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। करना पड़ेगा। तुम्हारा नाम क्या है? आना। मुझसे एक वादा करो आना, आज के बाद तुम इस बिल्डिंग क्या किसी भी बिल्डिंग से नहीं कूदोगी। मैं श्योर हूं अगर हम दोनों ऐसी ही बातें करते तुम्हारी स्टोरी के बारे में, तो तुम्हें भी जीने का मकसद कुछ ना कुछ जरूर ही मिल जाता। मुझे नहीं लगता मुझे कूदने की जरूरत है। अच्छा सुनो, मैं थोड़ी हड़बड़ी में हूं। मुझे अपने पेरेंट्स को भी कॉल करना और भाई के दोस्तों को भी कॉल करना है, सो मुझे जाना होगा। होप टू सी यू सून। और हाँ,
कल के न्यूज़ के हेडलाइन में मत दिखना मुझे। पता है क्या, तुम मुझसे मिलना भी नहीं चाहोगे, पर हम मिलेंगे ज़रूर। भाई मेरा एक पार्सल होगा, देखना जरा। एक सेकेंड। सर ये रहा आपका पार्सल। सर आप ये न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों, कोई दिक्कत? ये तो 3 साल पुराना न्यूज़पेपर है। 3 साल पुराना? तुम ऐना को जानते थे? ऐना? अच्छा वो है ना जिसने छत से कूद के सुसाइड कर ली थी। सुसाइड? हाँ सर, याद है मुझे कि कई महीनों तक उसकी मम्मी कुछ खाते भी नहीं थी और रोती रहती थी, और उसके दोस्त भी याद है मुझे कि बहुत उदास थे। आप नहीं जानते ऐना को? पता है क्या, तुम मुझसे मिलना भी नहीं चाहोगे, पर हम मिलेंगे जरूर।